रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू फूडीज किचन। मेरा नाम है आयशा चीमा और आज हम बनाने जा रहे हैं दलीम, जिसको लोग मोस्टली कहते हैं हलीम, बट एक्चुअली क्योंकि उसमें दालों का मिक्सचर होता है तो हम इसको दलीम कहते हैं। व्यूअर्स, जो दलीम बनाने के लिए हमें चीज़ें रिक्वायर्ड हैं वो कुछ इस तरह है। चिकन मेरे पास 1 kg है, थोड़ी सी हरी मिर्चें काट के रखी हैं, धनिया है, लेमन है, अदरक और लहसुन का पेस्ट है, टमाटर कट करके रखे हुए हैं, जौ का दलिया है, ये इस कप के साइज़ का जो है मैंने दलिया वो यूज़ किया है, ये भिगोया हुआ है, साफ़ किया हुआ है इसलिए आपको इस तरह लग रहा है। इसे थोड़ी सी, इस कप से थोड़ी सी क्वांटिटी ज़्यादा ली है। गंदम है मेरे पास, पुदीना है और मेरे पास दालें हैं, जिसमें दालों में मेरे पास चने की दाल है, माश की है, मसूर की है, मूंग की है और इन सब चीज़ों को हम यूज़ करेंगे और आज हम बनाएंगे दलीम। अब सबसे पहले आपके पास 2 देचकी होनी चाहिए, ये जो बड़ी वाली देचकी है इसमें मैं सारी दालें, गंदम और जो ऐड करूँगी ताकि वो अच्छे तरीके से इसमें पक जाएं। और एक साइड पे मैं चिकन बॉयल होने रखूँगी। अब मैं चिकन को इसके अंदर ऐड कर दूँगी। और उसी तरह अब मैं ये दालें ऐड करूँगी। ये जितनी भी दालें मैं यूज़ कर रही हूँ ये पाव है, और अब मैं ऐड करूँगी चने की दाल। इसी के साथ मैं ऐड करूँगी गंदम और इसी के साथ ऐड करूंगी जो का दलिया जो है, और अब इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर दूंगी। और अब हमने इसको कवर कर देना है ताकि ये अच्छे तरीके से चिकन भी बॉईल हो जाए और जो हमने मिक्सचर डाला है दालों का जो है और गंदम का और जो के दलिये का वो भी अच्छी तरीके से पक जाए। इसी के साथ मैं इसमें ऐड करूँगी 1 tablespoon नमक और 1/2 tablespoon हल्दी और इसको अब अच्छी तरीके से हम मिक्स कर देंगे और अब इसको अच्छे तरीके से बॉईल होने के लिए रख देंगे। नमक मैंने अभी बहुत थोड़ा ऐड किया है, इसकी रीज़न है इसके बाद में जब ये थोड़ी सी बॉईल हो जाएगी, पानी अभी इसके अंदर थोड़ा सा रहेगा तो थोड़ा सा नमक तब उसके मुताबिक ऐड कर दूंगी जो हमारे टेस्ट को सूट करे। इसको बॉईल करने का मकसद ये था कि ये थोड़ा सा बॉईल होगा तो इसमें जो चिकन की जो थोड़ी सी स्मेल होती है वो बिल्कुल ना आए। हमने इसको इतना बॉईल नहीं करना, हमने इसको बहुत लिमिटेड सा बॉईल करना है और उसके बाद इसके जो इसको चिकन को हमने श्रेड करके हमने इसको अच्छे तरीके से भूनना है। व्यूअर्स, अब आप देख रहे हैं कि इसके अंदर जो है वो पानी बिल्कुल ऑलमोस्ट ख़त्म हो गया हुआ है और अब मैं इसको बहुत अच्छे तरीके से जो है मशीन यूज़ करके इसको बहुत अच्छे तरीके से ग्राइंड करूँगी। ओके व्यूअर्स, अब मैं इसको अच्छे तरीके से ब्लेंड करने लगी हूँ। ये मेरे पास मशीन है इसकी मदद से। जो है स्टॉक उसका मैंने साइड पे रख दिया है, पानी जो और गोश्त को जब हमने बॉईल कर लिया था तो उसको हमने है इतना छोटा छोटा जो है श्रेड कर लिया है और अब मैं इसी के उसी देचकी के अंदर जो है मैं ऑयल डालूंगी। ठीक है, थोड़ा सा और इसको थोड़ा सा अभी गर्म होने दूंगी और उसके बाद मैं पूरा जो है एक मसाला तैयार करूंगी जिसमें मैंने अब चिकन को अच्छे तरीके से पकाना है। ओके व्यूअर्स, इसके अंदर अब मैं पेस्ट ऐड कर दूंगी अदरक और लहसुन की। इसी के साथ मैं ऐड कर दूंगी प्याज को
फिर इसी के साथ मैं इसमें डालूंगी रेड चिली पाउडर यानी लाल मिर्च 1 टीस्पून, 1 टीस्पून मैं डालूंगी जीरा, 1 टीस्पून गरम मसाला और अच्छी तरह इसको मिक्स कर दें और अब इसको मसाले को तैयार होने देना है। तो इसी के साथ मैं इसमें ऐड कर दूंगी हरी मिर्चें और टमाटर और मसाले को बहुत अच्छे तरीके से रेडी कर दूंगी। इसके अंदर हंसते ज़रूरत जो है आपने सॉल्ट डालना है, मैं 1 टीस्पून डालने लगी हूँ। वो 1 टीस्पून इसलिए कि अगर बाद में जब आप ट्राई करेंगे और चेक करेंगे अगर आपको नमक कम लगेगा आपकी दलीम में तो आप और सॉल्ट अपने टेस्ट के मुताबिक इसमें ऐड कर सकते हैं। फिर उसी के साथ मैंने जो है अच्छे तरीके से ब्लेंड किया है, बट अभी प्रॉपर ब्लेंड नहीं किया क्योंकि अभी इसमें और पकना है। जो चिकन जिसमें हमने बॉईल किया था वो पानी जो है वो मैं अब इसके अंदर ऐड करने लगी हूँ। और अब इसको बहुत अच्छे तरीके से मिक्स करना है। और दूसरी तरफ जो है हमारा जो मसाला है वो तैयार हो रहा है। फिर जब मैं इसके अंदर जो चिकन हमने शेड करके रखा था वो ऐड करने लगी हूँ और इसको अब अच्छी तरीके से इसके अंदर पकाऊंगी। और दूसरी साइड पे जो हमने जो चिकन स्टॉक इसके अंदर ऐड किया है वो अब इसको पकाएगा अच्छे तरीके से दालों को और बहुत अच्छे तरीके से जो गंदम इसके अंदर थी। अभी ये जो मैंने ब्लेंड किया है अभी प्रॉपर तरीके से नहीं किया, इसको बहुत अच्छे तरीके से अभी और ब्लेंड करना बाकी है, बट वो मैं चिकन ऐड होने के बाद करूँगी। बहुत अच्छे तरीके से इसमें आप चम्मच लगाए हैं जो आप मसाला अलग से चिकन का तैयार कर रहे हैं और दूसरी साइड पे आपने इसको बहुत अच्छे तरीके से चम्मच को इसके अंदर मूव करना है। अभी आपको मोटे मोटे जर्रे ज़रूर नज़र आ रहे होंगे बट अभी इन्होंने अच्छे तरीके से ब्लेंड होना है। साथ साथ चम्मच लगाना इसलिए भी ज़रूरी है, उसकी उतनी ही अच्छी कंसिस्टेंसी आएगी और बहुत मज़े की दलीम तैयार होगी। के व्यूज मैंने जो है वो ये उतार लिया है जो मसाला तैयार किया है चिकन का। अब मैं वही जिससे मैं दालों को बहुत अच्छे तरीके से ब्लेंड करी थी अब मैं इस मसाले को भी ब्लेंड कर लूँगी ताकि जो चिकन है वो बहुत अच्छे तरीके से ब्लेंड हो जाए और ताकि हम इसको इजीली ऐड कर सकें हमारी दालों के अंदर। जैसा कि आप देख सकते हैं कितना अच्छा ब्लेंड हो रहा है। अब ये ब्लेंड हो चुका है, देखिए व्यूज कितना अच्छे तरीके से जो है वो चिकन का जो मसाला है वो ब्लेंड हो चुका है। अब हम इसको ऐड करेंगे हमारी दालों के अंदर। ओके जी, अब मैं ऐड करने जा रही हूँ चिकन वाले मसाले को इसके अंदर। और अब हम इसको बहुत अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे डोई के साथ।
ये देखिए व्यूअर्स, मैंने बहुत अच्छे तरीके से चिकन को इसके अंदर मिक्स कर दिया है। अब मैं इसको जस्ट 5 मिनट्स और पकने दूंगी और उसके बाद मैं दोबारा ब्लेंड करूंगी और ये बहुत मज़े की दलीम तैयार होगी। व्यूअर्स, मैंने इसको ब्लेंड किया है मगर अभी कंप्लीट ब्लेंड होना बाकी है। मैं इसमें ये वाला जो स्पून है, ये जायफल का जो मसाला है, जायफल जावित्री का, वो मिक्स किया हुआ है, तो वो मैं इसके अंदर डालने लगी हूँ। ये मैंने पहले 1 स्पून डाला है और ये मैं 1/2 स्पून और डालने लगी हूँ, यानी 1.5। और अब हमने इसको बहुत अच्छे तरीके से जो है वो मिक्स करना है। यहाँ पे मैंने देसी घी जो है वो लिया है गरम होने के लिए। हम देसी घी का तड़का लगाएंगे। अब मैं इसके अंदर प्याज ऐड करने लगी हूँ। प्याज को आपने अच्छे तरीके से ब्राउन कर लेना है। व्यूअर्स, मैंने बहुत ही लाइट फ्लेम में जो है वो दलीम को रखा हुआ है और मैंने इतनी ही ब्लेंड की है। आप चाहें तो इससे ज़्यादा इसको ब्लेंड कर सकते हैं। अब मैं इसके अंदर डालूंगी गरम मसाला 1 टेबल स्पून, उसको अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे। नमक अगर आपको कम लगे, आपके टेस्ट के मुताबिक ना लगे, तो आप इसमें और ऐड कर सकते हैं। अब मैं इसके ऊपर थोड़ा सा चाट मसाला भी डालूंगी। चाट मसाला आप और भी डाल सकते हैं अपने टेस्ट के मुताबिक। जब तक मैं ये जो है तड़के के लिए प्याज अभी ब्राउन नहीं होता, तो मैं इसको मसाले को इसके अंदर मिक्स कर रही हूँ। ओके व्यूअर्स, आप देख सकते हैं अब मैं ये तड़का लगाने लगी हूँ। ये देखिए, अब आप इसको व्यूअर्स बहुत अच्छे तरीके से मिक्स कर देंगे। बहुत ही फाइन, बहुत ही टेस्टी खुशबू आ रही है और टेस्ट तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। ये देखिए, मैंने फ्लेम हल्की आंच पे रखा हुआ है इसको ऑलरेडी और पकने के लिए। अब मैं इसके अंदर ऐड करूँगी कुछ पुदीना के पत्ते और उसके अलावा ऐड करूंगी धनिया और इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर दूंगी। ये आप देखें व्यूअर्स, कितना ही अच्छा जो है इसका टेक्सचर आया है। ओके व्यूअर्स, ये देखिए, ये हमारी जो दलीम है ये रेडी है और बहुत ही टेस्टी, बहुत ही यमी बनी है। इसको ज़रूर ट्राई करिएगा आप घर पे और लाजमी खा के बताइएगा, देखिएगा मेरी रेसिपी आपको कैसी लगी और आपको ये प्रेजेंटेशन कैसी लगी। ज़रूर इसको ट्राई करिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोस। प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन for more videos, for more good recipes. Thank you so much. Allah Hafiz.